भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर आपके GTA 5 में मोड्स इंस्टॉल हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते भाई। मोड्स इंस्टॉल करने का जो गेम प्ले होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अलग और जबरदस्त। जो आप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। आप भाग सकते हो बहुत तेज, जितना सफर आपने बहुत 10-12 सेकंड में किया होता उतना आप 2 सेकंड में कर सकते हो। आप बहुत ऊंचा जंप कर सकते हो और ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। जंप के साथ साथ आपने अंदर घोस्ट राइडर की तरह पूरा फायर जनरेट कर सकते हो जो कि देखने में बहुत कूल लगता है। साथ में आपके अंदर ऐसी सुपर पावर्स आ जाएंगी कि आप आजू बाजू सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो बिल्कुल ऐसे, और उसको ये भी कर सकते हो भाई। उसके साथ साथ आप बहुत ही तगड़ी सुपर कार जनरेट कर सकते हो और उनको लेकर सिटी में घूम सकते हो। ट्रस्ट मी, इन गाड़ियों को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी गाड़ियों से बहुत अलग है। और भाई ये गाड़ियाँ जो है ना ये होती हैं बहुत ही फास्ट। साथ में आप ऐसी और भी गाड़ियाँ जनरेट कर सकते हो जितनी चाहो। ये बाइक मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और इसकी जो गोलियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बस मैच ही नहीं है। आप वेदर चेंज कर सकते हो, वेदर के साथ साथ आप बारिश करा सकते हो, बारिश के साथ साथ आप लाइक हिंग स्टॉर्म्स और बहुत ज़्यादा शीतलहर वगैरह जनरेट कर सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। और अगर आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हो उसके लिए बहुत अच्छा है। कैसे आप अपनी बाइक को या गाड़ियों को इनविंसिबल बना सकते हैं, मैंने इसमें 3 स्टिकी बॉम्ब लगाए हैं, एक लगाया उस गाड़ी पे और भाई उस गाड़ी के ना पर कच्चे उड़ गए हैं। हमारी बाइक अभी भी यूजेबल है। आप ये कैसे कर सकते हो बताता हूँ। आप सड़क के बीचों बीच एक रैंप क्रिएट कर सकते हो भाई, उसके जंप के मज़े ले सकते हो। ये आपका वीडियो क्रिएशन भी बहुत काम आएगा। और भाई यहाँ पर आप उल्का पिंड की बारिश करा सकते हो, बहुत ही तगड़ा लगता है देखने में। और भाई ये मोड बहुत ही ज़्यादा फनी था। जैसे आप सिटी में घूमने निकलते ना आपके आजू बाजू की सारी गाड़ियाँ इवन लोग आप देख लो तो 50-50 फीट ऊपर उड़ रहे हैं अपने आप। अगर आप कोई बड़ी रेस क्रिएट मतलब जीत कर आए हो तो भाई उसके बाद आप ऐसा सेलिब्रेशन क्रिएट कर सकते हो। और ये बहुत बेकार था, एक क्लिक में पूरी सिटी का खत्म हो जाती है और भाई गाड़ियाँ उड़ उड़ के आ रही होती हैं और एक गाड़ी तो आपकी आके लगती है। बकवास था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसमें। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और भाई आज बात होने वाली है मोडिंग के बारे में। कोई स्टोरी मोड नहीं, कोई मिशन नहीं, कुछ नहीं। आज सिर्फ ये बात होने वाली है भाई इस गेम को कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और आप इस गेम के मज़े कैसे कैसे ले सकते हो। उसके लिए हम जा रहे हैं एक खाली लोकेशन पे जहाँ पर सिर्फ हम लोग होंगे और मोडिंग जो होगी वो स्टार्ट करके फिर मैं आपको लाइक विस्तार से बता पाऊँगा। भाई ओपन एरिया में हम लोग आ गए हैं। ये है कोई टेनिस या कुछ ऐसा कुछ ग्राउंड है या असेंबली हॉल टाइप में है। भाई यहाँ पर देख रहे हो आप मैं कितना आराम आराम से कूद कूद के आ रहा हूँ। और भाई ये कूद कूद के आने में मुझे लगा बहुत टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत टाइम जो लग रहा है इसको कम टाइम में कैसे किया जा सकता है मोडिंग के साथ। भाई मोडिंग मैंने एक्टिवेट कर ली है, इसमें हम जाएंगे प्लेयर मोड के अंदर। और भाई प्लेयर मोड के अंदर है ना हम वो सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जैसे कि बहुत तेज़ दौड़ना, या फिर अभी आपको सुपर जंप की पावर एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। प्लेयर ऑप्शन में जाएंगे और नीचे से हम जाएंगे सुपर जंप में। हाँ सुपर जंप हमने कर दिया है एक्टिवेट। और भाई इसके बाद हम चलते हैं स्टेज पर। ये नॉर्मल जंप था, ये था सुपर जंप। एक जंप में हमने पूरी स्टेज पार कर ली है। और भाई अभी छत पे लगे मेरा सर भाई, 1, 2 और 3 जंप में पूरा स्टेडियम ऑलमोस्ट पार। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपका गेम प्ले थोड़ा सा ईजी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और ये चीज़ें आप ज़रूर एक्टिवेट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि इसके बाद की बहुत सारी वीडियोज़ है ना मोडिंग के ऊपर होने वाली हैं और मोड्स आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बता देना कि आपको कौन से मोड सीखने। और मोड अगर आपने इंस्टॉल कभी किए नहीं है तो आपको बेसिक A to Z बता दूँगा स्टार्टिंग से। तो भाई अभी मैंने स्मैश एबिलिटी ऑन की है। इसमें क्या होता है हम जंप करने की जो पावर होती है वो खो देते हैं, लेकिन जंप करने वाला जो बटन है उसको दबा कर रखेंगे तो हमारी जो आजू बाजू की गाड़ियाँ ना वो उड़ने लगेंगी हवा में, और जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो ज़मीन पर आकर गिरेंगी ज़ोर से। तो भाई देख रहे हो गाड़ी ब्लास्ट ही हुआ है क्योंकि इतनी ज़ोर से गिरी है ऊपर से। आजू बाजू की सारी गाड़ियाँ उठ गई हैं और भाई सारी की सारी ब्लास्ट हो गई हैं। यहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ हैं भाई, हवा में उठना स्टार्ट, आग लगनी स्टार्टर में सीधा और भाई ब्लास्ट, बहुत ही ज़बरदस्त था ये। और भाई ये साउंड आता है ना उसका वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लाइक बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप गेम में मोड्स इंस्टॉल करके खेलते हो तो। हाँ ऑल्दो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, बट रियलिस्टिक चीज़ें और अच्छी होती भी नहीं है यार, इंटरेस्टिंग नहीं होती है, वो बोरिंग चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद मोड्स आपको चाहिए ही होंगे। तो भाई व्हीकल जनरेट हम लोग कर सकते हैं किसी भी टाइप का। इसके अंदर आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, ये मेन्यू ट्रेनर है मोड का नाम,
उसको आप इंस्टॉल करना सीख सकते हो, नहीं आता है मैं आपको सिखा दूंगा। तो भाई ये है पहली गाड़ी जो हमने जनरेट की है, बहुत ही अच्छी सुपर कार है, लेकिन जब हम बहुत सारी जनरेट कर सकते तो इसको नहीं चलाएंगे। येलो कलर बहुत अच्छी कार है लेकिन नहीं, इसको भी नहीं चलाएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कार, इसको हम लेकर निकलते हैं सिटी में और उसकी स्पीड चेक करते हैं भाई कैसी है। और ऐसा भी नहीं कुछ टाइम के बाद ये गाड़ियाँ डिलीट हो जाती हैं या फिर गायब हो जाती हैं, ये गाड़ियाँ स्टेबल रहती हैं जब तक आप उनके साथ हो। और भाई गलती से ये मत करना, मैंने एक और गाड़ी जनरेट करने का ऑप्शन दबा दिया था और वो मेरी गाड़ी के नीचे ही निकल आया जैसे ये आ गई। तब हमने जनरेट की है F1 की सुपर कार, भाई दो हो गई हैं पर हम चलाएंगे पहली वाली को ही, इसको कर देते हैं बैक वरना ये बार बार जनरेट होती ही रहेगी। और भाई ये कितनी प्यारी लग रही है, रोड पे चलती है, रोड पे चलती है ना, अपनी GTA 5 में ये वाली कार नहीं देखी होगी और ना आपको मिलेगी रेसिंग ट्रैक के बिना कहीं पर ही, पर जनरेट करने के बाद आप इसे रोड पर भी चला सकते हो। एक गाड़ी मैंने और जनरेट की है, गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है पर हम उसका दूसरा कलर यहाँ पर जनरेट करके इसको चलाएंगे। भाई गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, पर ज़बरदस्त तब तक ही जब तक कंट्रोल में है, उसके बाद तो कचरा ही हो जाना है। भाई एक गाड़ी मैंने और जनरेट कर ली है बट वो अच्छी नहीं है, हम दूसरी गाड़ी जनरेट करेंगे इससे बाहर निकलने के बाद। और भाई ये गाड़ी बहुत प्यारी है लेकिन इसमें एक कैच है, इसके डेवलपर ने जो बेस बनाया था वाइट कलर का वो साथ में ही है, हटाया नहीं है। उस गाड़ी को आप चलाओगे ना तो ये बेस साथ में चलेगा और वो थोड़ा सा आपको अनोइंग लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो भाई इसको हम बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। गाड़ी बहुत प्यारी है, गाड़ी बहुत ही सुपरिस्टिक है लेकिन वो बेस अच्छा नहीं है, तो भाई इसको कर देते हैं हम तबाह, तहस नहस कर देते हैं इसको। हमने अपनी मिसाइल ऑन कर ली है और मिसाइल से हम करेंगे भाई सर तबाह। भाई मिसाइल छोड़ने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे ना बाइक चलानी चाहिए, दो चार गोलीबारी करने के बाद भाई सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई हैं ब्लास्ट। और भाई मोड जब आपका एक्टिवेटेड होता है ना तो पुलिस भी आपके पास नहीं आती, क्योंकि आप पुलिस से बचने का भी मोड होता है, आप कभी मोस्ट वॉन्टेड होगे नहीं। आप कितनी गोलियाँ चला लो, कितने बंदे मार लो, कैसा ही मिशन कर लो, आप वॉन्टेड होगे नहीं, पुलिस पीछे पड़ेगी ही नहीं। हाँ वो बात अलग है, उसमें फिर फन नहीं आता पुलिस जैसे पीछे ना हो। भाई ये बाइक मैंने जनरेट की है और ये बाइक भाई इतनी तगड़ी है ना कि KGF में जो रॉकी बाइक के पास थी उससे भी तगड़ी बाइक है, और इसके अंदर दोनों साइड मशीन गन्स लगी हुई है। और भाई कुछ ही सेकंड में ये गाड़ियाँ फोड़ देती है, इतनी तगड़ी बाइक है ये भाई, कितनी सही लग रही है। और भाई सामने की तरह बिल्कुल कचरा कर दिया है इसने, कुछ तो मिसाइल्स ने कर दिया था, कुछ इसने कर दिया है। और भाई देख रहे हो चलते चलते लाइक चलते चलते इससे आप बुलेट चला सकते हो, आजू बाजू की सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है। इससे तगड़ा मूव तो भाई मैंने नहीं देखा, इससे तगड़ी बाइक मैंने नहीं देखी इस पूरे गेम में। ये है मेरी बेस्ट बाइक आज से, किसी भी मिशन से पहले मैंने इस बाइक को ले लेना है और इस बाइक से ही मिशन करना है। और भाई सामने की तरफ एक गाड़ी आ रही थी, इसको हटाने के लिए मैंने साइड नहीं लिया, मैंने इसको फोड़ ही दिया तो भाई हट गई वो अपने आप गाड़ी यहाँ से। भाई अब हम जनरेट करने वाले हैं एक और बाइक और भाई ये होने वाली है थोड़ी सी सुपरिस्टिक। भाई इस गाड़ी का जो पीछे छपरा देखो ना, उसके अंदर बहुत सारी कीलें निकली हुई हैं और ये पूरी की पूरी सुपरिस्टिक गाड़ी है, जैसे कि एलियंस की होती है, नियॉन कलर में। और भाई इसके अंदर जो मशीन लगी हुई ना उसमें गोलियाँ नहीं है, उसमें लेज़र है। भाई लेज़र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और इसके जंप इतने सही होते हैं कि जस्ट सी। भाई लेज़र की बारिश ही हवा में भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि रुकना पड़े उसके लिए। और भाई थोड़ी सी लेज़रबाजी करने के बाद गाड़ी हो जाती है बिल्कुल ब्लास्ट, तो भाई बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। और भाई आजू बाजू बिल्कुल ऐसी भगदड़ मच जाती है जब इसकी लेज़र चलती है, बहुत बहुत मज़े फील करने वाले मोड इंस्टॉल करने के बाद। भाई इसमें और ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास कि आप टेलीपोर्ट कर सकते हो, आप किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बार्बर शॉप किया, बार्बर शॉप के सीधा बाहर आ गए, यहाँ पर एक बंगाला आंटी है, इनसे हम हेयर कट कराएंगे, हेयर कट तो नहीं बेसिकली हेयर इंक्रीज कराने हमें, जो हम लोगों ने कभी सीधी सीधी चीज़ें की नहीं है, रिवर्स ही चीज़ें करते हैं लोग, हेयर कटवाते हैं हम हेयर बढ़वाने हैं, दाढ़ी हमारी छोटी थी हमने दाढ़ी बढ़वा दी है और अब हेयर हमने थोड़े से बढ़वा दिए, छोटी करवा ली हमने। भाई इस लुक के साथ हम लोग निकल रहे हैं बार्बर शॉप से। तो भाई हम टेलीपोर्ट ना कहीं पर नहीं कर सकते, जितने भी ऑप्शन हमारे पास दिखते हैं हर उस जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। भाई गाड़ी मैंने ले ली है और गाड़ी में मैं सोचूँ गाड़ी में टाइम वेस्ट क्यों करना जब टेलीपोर्ट हो सकते हैं, चलो कहीं और चलते हैं टेलीपोर्ट होकर।
टेलीपोर्ट होके हम लोग जा रहे हैं ट्रेवर, ट्रेवर के भी हाउस दिखा रहे, ट्रेवर ऑफिस, ट्रेवर का ऑफिस कौन सा है भाई? भाई ट्रेवर का ऑफिस तो बहुत ही शानदार है, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगा होगा, उसको तो फोन चलाना भी नहीं आता भाई। जैसे ही मैं बाहर निकला ना यहाँ पर, नहीं भाई ये स्ट्रिप क्लब है, स्ट्रिप क्लब के अंदर आई थिंक उसने कुछ ऑफिस वगैरह रेंट में लिया था ताकि वो दोनों चीज़ें इंजॉय कर सके। लेकिन मैं स्ट्रिप क्लब में जैसे मैं अंदर आया हूँ ना, तो यहाँ पर बाउंसर्स ने कर दिया मेरे पे हमला भाई, एक एक गोली में लोग मर गए। इनसे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, फालतू में बस ड्रामे करने आते हैं मेरे से। भाई मेरे से नहीं मिल सकते भाई, माइकल नाम है मेरा, सॉरी फ्रैंकलिन नाम है मेरा, माइकल तो बाद में आएगा। भाई जैसे हम लोग बाहर निकल रहे हैं ना, यहाँ पर एक बाउंसर और अपनी गल लेकर खड़ा हुआ था भाई। बाउंसर को और चश्मदीद गवाहों को हमने निपटा दिए, डब्बा खोला, इनके पास कैश था नहीं तो कैश भी नहीं मिला हमें, तो भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं। और भाई इसके अंदर ऐसी एंटी गन्स आपको मिलती हैं कि जिसकी कोई लाइक बात ही नहीं है। ये छोटी सी गन ग्रेनेड फेंकती है, और भाई ये है बहुत ही सुपरिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक गन, ये पहले लोड होगी और फिर चलाएगी लेज़र। भाई लोड हो गई है और लेज़र देख रहे हो कितनी ही दूर तक आप लेज़र चला सकते हो, और बहुत पावरफुल लेज़र है। लेकिन ज़्यादा दूर वो तो कम पावर हो जाती है, तो कुछ गाड़ी वगैरह भी ब्लास्ट नहीं हो पाई इससे। भाई ये भी फिर से एक हैंड ग्रेनेड वाली ही गन है, ब्लास्ट अच्छा कर लेती है बट इलेक्ट्रिक शॉक देती है ये। और भाई ये जो बन रहा ना रेल गन, इसका नाम है रेल गन, और ये किसी भी गाड़ी को फोड़ने के लिए सबसे बेस्ट गन है। अगर आप दूर से मारोगे दो गाड़ियाँ चिपट लोगे दोनों फट जाएंगी सी। भाई एक गोली में दो गाड़ियाँ बहुत ईजीली फोड़ देती है, तो अगर किसी भी मिशन में जा रहे हो और आपके ये गन है भाई, 10-12 गाड़ियाँ आप ऐसे उड़ा दोगे। भाई ये हो जाती है बहुत ही ज़्यादा अपनी एंटीक गन, जिसमें से एक ही गोली चलती है, फिर दोबारा भरोगे कारतूस और फिर से गोली चलाओगे। ये भी उसी टाइप की गन है, सिंगल गन। और भाई ये है हमारी एंटीक 6 बुलेट्स वाली, इसका साउंड सुनो यार, मतलब एक्सपीरियंस ही चेंज कर देती है यार ये बिल्कुल। भाई फिर आपकी आ जाती है स्नाइपर गन। स्नाइपर गन में आपको एक कंप्लेंट रहती है भाई एक ही गोली चला सकते हैं, बट स्नाइपर गन में ऐसे भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको जिसमें आप कंटिन्यूसली 10 गोली चला सकते हो, 15-16 गोली चला सकते हो। देख लो भाई कंटिन्यूसली आप 16 गोलियाँ चला पा रहे हो स्नाइपर गन में जूम करके, तो ऐसे गन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर आप वेदर सेट कर सकते हो, हमने एक्स्ट्रा सनी किया हुआ था, फिर क्लाउड्स हमने ऐड किए हैं, क्लाउड के बाद स्मॉग कर दिया है तो थोड़ा सा धुंध आपको दिख रही होगी पीछे, फॉगी कर दिया तो पूरा फॉग हो गया यहाँ पे, फिर हमने रेन कर दी है, रेन के बाद आप थंडर भी कर सकते हो, मतलब बादल इतने कड़कड़ाएंगे ना बस मज़ा ही आ जाएगा। फिर क्लियर कर सकते हो, क्लियरिंग मतलब जैसे बारिश के बाद क्लियर होता है वो वाला, स्नो कर सकते हो बारिश लाइक यहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाएगी, इवन थोड़ी देर बाद अगर गाड़ियों के ऊपर जम भी जाएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिख रही है कि उनमें गिरती हुई, थोड़ी देर बाद तो गाड़ियों के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाएगी। भाई ब्लिजर्ड कर सकते हो, इसमें तो भाई बहुत ठंडी हवाएं और बर्फ उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। हेलोविन में बिल्कुल येलो कलर का हो जाएगा, जैसे हेलोविन का थीम होता है। भाई पूरा वेदर मैंने कर दिया क्लियर वापस, और रोड के ऊपर है पानी बारिश वाला। भाई इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसमें ना आप ऑब्जेक्ट को स्पून कर सकते हो, जैसे मैंने स्पूनर मोड ऑन कर लिया है, आप पूरी सिटी देख सकते हो और जहाँ चाहो जो चाहो आप स्पून कर सकते हो। भाई इसमें ना आपने बहुत सारी रैंप वाली वीडियोस देखी होंगी, लोग रैंप क्रिएट करते हैं और रैंप क्रिएट करने के बाद वो बहुत सारे लाइक रेस उसमें क्रिएट करते हैं, बहुत सारे जंप क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने ये वाला रैंप लिया है, इसको हम जाएंगे मैनुअल सेटअप करने के लिए, इसको पहले तो ज़मीन से टिकाना ही हवा में है, फिर ज़मीन से टिकाने के लिए हम थोड़ा और नीचे करेंगे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, भाई ज़मीन से ये टच हो गया, थोड़ा और थोड़ा और, हाँ जी ज़मीन से ये हो गया है टच, इसके सारे के सारे पिलर ज़मीन पे हैं। अब इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं रोड की तरह, क्योंकि ये दूसरी साइड अभी ऑब्जेक्ट कर रहा है, नीचे नहीं नॉर्मल रखो। और भाई ये वाला जो पोर्शन है YWA वाला जो पोर्शन है, इससे आप इसको घुमा सकते हो, लेकिन स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वह पूरी तरह से मैंने इसको घुमा दिया है और ये आ गया मेन रोड पर, और अभी मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ एक अच्छी सी बाइक से। और बाइक मेरी फेवरेट जो है वो है हायाबूसा, इसमें नाम हायाबूसा नहीं होता है बट लुक देख के आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सी बाइक है। तो भाई मैं पहले थोड़ा पीछे जाऊँगा और पीछे से जंप करके आऊँगा, लेकिन भाई मैं पीछे भाग क्यों रहूँ जब मैं बाइक जनरेट कर सकता हूँ? तो रुको भाई रुको, हो गया, यहाँ पर हम बाइक जनरेट कर लेते हैं अच्छी सी।
मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल में हायाबुसा कहे 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 कहे। और भाई ये रही, हमने रेड कलर की हायाबुसा ली, कलर इसमें ऑटो सेलेक्ट होता तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ले सकते हो पर्सनल हिसाब से। और भाई सीधा जंप, इतना तगड़ा जंप था, हमने किसी शॉप की छत पे जंप किया है। और उसके बाद जब हम नीचे आए तो भाई यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाता हूँ, इस पर गाड़ी पे ना बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। अब इस गाड़ी को अगर आप चाहते हो भाई बहुत लंबे टाइम तक चलाना हो, लेकिन आप कहीं भी किसी लोकेशन पे जाते हो टक्कर खा खा के मर जाती है, तो भाई इसको आप इनविंसिबल बना सकते हो व्हीकल ऑप्शन में जाकर। और भाई अभी मैंने इनविंसिबल इनविंसिबिलिटी ऑन कर दी है, और भाई अब इस गाड़ी को ना अब कुछ नहीं होने वाला है। हम जाएंगे स्टिकी बॉम्ब लेंगे, स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं इस पर, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं प्रॉपर कि इनविंसिबिलिटी काम कैसे करती है। तीन चार मैंने स्टिकी बॉम्ब लगाए और एक लगाया उसकी गाड़ी पे जो बिना बाद में गोले चला रहा था भाई, वो बंदा जल्द उनके पीछे गिरा है, गाड़ी उसकी फट गई और हमारी बाइक को कुछ नहीं हुआ है। हमारी बाइक अभी भी चलाने लगा है, इस पर चार स्टिकी बॉम्ब लगाए थे और उसका एक स्टिकी बॉम्ब में गाड़ी तबाह हो चुकी है बिल्कुल। भाई अब हम जा रहे हैं फिर से उसी लोकेशन पर जंप को करेंगे दोबारा से टेस्ट। तो वो जंप करने में बड़ा मज़ा आया था मेरे को। अब थोड़ा सा पीछे से जा रहे हैं हम, और गाड़ी अभी भी बहुत सही कंडीशन में मेरी। और ये रहा हमारा सेकेंड जंप। इसी टाइप के बहुत सारे जंप वाली चीज़ें ना आप क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही मज़ेदार हो रही है, होने वाली है ट्रस्ट में। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं स्ट्रिप क्लब में। यहाँ पर एक और मूड है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, जैसे ही इस बंदे के पास आप गाड़ी रन खड़ी करते हो ना ये भूलिया चलने लग जाता है। तो आप यहाँ पर एक मोड है, इसको एक्टिवेट करेंगे एनिमीज ऑटो किल, इसको आप वी एल जैसे ही रेडिकल करेंगे वो बंदा मर गया। अभी आपको ये भी पता होगा कि जब स्ट्रिप क्लब में आप किसी को हमला करते हो तो उसके बाकी सारे गार्ड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और अभी आप अंदर जाओगे ना तो अंदर आपको कोई गार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके होंगे, कि एनिमी ऑटो किल मैंने ऑन कर दिया है। लेकिन भाई ट्रस्ट मी, इसमें कोई मज़ा नहीं आने वाला है जितना मज़ा आपको खुद चीज़ें करने के, ये बंदा गिरा पड़ा है यहाँ पर। तो अब मुझे यहाँ पर इस लोकेशन पर कोई एनिमी मिलने वाला नहीं है, वो अपने आप मर चुके होंगे। तो भाई यहाँ पर आई थिंक हमें अभी इस मोड को कर देना चाहिए बंद, क्योंकि इसमें कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन भाई मेटियोर शावर का मोड है यहाँ पर, इसको ऑन कर देते हैं और आपको दिखाता हूँ मेटियोर शावर जो उल्का पेंट गिरता है वो किस टाइप के होते हैं। अगर कोई भी उल्का पेंट धरती पर आया तो वो इस तरीके से गिरेगा, देख रहे हो, इतना बड़ा पत्थर होगा जो कि स्पेस से आएगा और वहाँ पर सीधा गिरेगा। भाई फिर एक यहाँ पर मोड है जंप अराउंड मोड, भाई आप जिसको इसको जैसे ही एक्टिवेट करोगे ना बहुत ही प्यारा एक साउंड आता है, जिस पर शायद कॉपीराइट आ गया तो मुझे बाद में हटाना पड़ेगा ये। और भाई इस साउंड के साथ है ना आप देख रहे हो गाड़ियाँ जंप हो रही हैं, बंदे जंप हो रहे हैं, और बंदा एक गिर गया था वो उठ भी नहीं पा रहा, वो इस तरीके से जंप हो रहा है, अलग ही हिप हॉप चल रहा है इसका। और भाई इस हिप हॉप के साथ साथ ये गाड़ियाँ बिल्कुल अपना अलग ही जंप कर रही हैं, बंदे ऐसा नहीं थोड़ा बहुत कूद रहे, बंदे 60-60, 100-100 फीट ऊपर जा रहे हैं हवा में। आप देख रहे हो चारों तरफ भाई गाड़ियाँ प्रॉपर उठ रही हैं, और भाई बंदे सीधा हवा में रॉकेट बन रखे हैं बिल्कुल। तो भाई इन रॉकेट से होते हुए भाई आसमान में बंदे ही बंदे हैं भाई, बंदे ही बंदे हैं भाई। इसको हम बंद कर देते हैं वरना ऐसे में तो फिर ये नाचते ही रह जाएंगे। जंप अराउंड मोड जैसे हमने बंद किया भाई, ये है फायर वर्क का इंजॉय। जैसे आप कोई बड़ी लाइक मान लो आपने रेस क्रिएट की है, आप वीडियो बना रहे हो और आप जीत गए तो आप इस तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हो उसका, बहुत अच्छा लगता है भाई देखने में। भाई फिर मस्कर मोड है, ये मेरे को बहुत ही बेकार लगा है, क्योंकि यार इसमें ना एक बटन दबाते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक गाड़ी भागती रही मेरे को लगी, और भाई ऐसे में ना कुछ करने के लिए बचेगा नहीं आसपास आपको, जैसे बंद करोगे वापस सब कुछ नॉर्मल। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे मोड्स आपको मिल जाते हैं जो कि अगर आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को कर देना लाइक। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मोड सीखना है या आप वैसे ही चाहते हो। थैंक यू।